जैसे पाकिस्तान वालों चौथे वनडे में तैयारी बियारी कर रहे हैं ना, तीसरे वनडे में रात बच गए थे, मेरे हाथों से किसी ने साथ नहीं दिया, अब चौथे मैच में पक्का ठोकेंगे, तैयारी कर लो। और तुम्हारा वो बाबर ससुर का नाती किधर गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। अबे बस्कर ससुर की नाती में एक्चुअली हमको पता है, कल तुमने 64 रन बनाया लेकिन किस काम का भैया, हमने ठोकना था, कल भी आपको ठोकेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। बाबर भैया सिर जीत के आराम कर रहा है, तुम ससुरी के टैंटें करते रहो, नहीं छोड़ेंगे कल भी। हाँ न्यूजीलैंड वालों, अभी तो चाचा वापसी आ गया, लेकिन तुम्हारा किस्मत अच्छा है कि प्लेइंग 11 में नहीं खेल रहा, जिस दिन खेला कल या अगले आखिरी मैच में, तो उस दिन तो भैया ऐसे ठोकूंगा ना, दुनिया याद करेगी, गेंद न्यूजीलैंड से उठानी पड़ेगी आपको। मैं चिन्नी बुढ़ा दरकाए को छेड़ दिया पाकिस्तान वालों को फोकट में, तेरे को यार पता है वो भूतनी के रात किस्मत से जीत गए, 3 मैच जीत गए, इसलिए बहुत टैं टैं करेंगे, पहले इनको कुछ ठोकने का सोचो, कल ठोकते हैं फिर इनको बोल के बताएंगे, फिर बेइज्जती करेंगे। अबे बस कर टॉम लैथम के बच्चे, ये तेरा सपना कभी नहीं पूरा होगा, ओडीआई तू एक मैच भी नहीं जीत पाएगा, पांचों के पांचों मैच हार के मुंह लटका के लटके हुए मुंह से न्यूजीलैंड जाएगा। फुल तैयारी हमने कर ली है, जो कुछ मर्जी कर लेना, कल भी आपकी ठुकाई होगी। अबे बस करता शताब खान का बच्चा, कल तुम्हारे बल्लेबाजों कुछ नहीं कर पाता, हमें इससे गेंदबाजी करता देखता, तुम्हारे बल्लेबाजों को हम कैसे ऑल आउट करता, 100 से नीचे नीचे तुमको लुढ़का आता, ऐसा तुमको ठोकता, शर्मनाक शिकस्त देता, सिरदार जाता तो हम क्या होता। इस सोडी के बच्चे रहने दे, कल तुम्हारा किस्मत अच्छा था, मैं जल्दी आउट हो गया, बच गए तुम लोग, कल तो भैया ऐसे ठोकूंगा ना, चौथे ओडीआई में आउट नहीं होगा, पूरे 50 ओवर खेलूंगा, 200-300 मैं अकेले ही ठोकूंगा, टीम का स्कोर होगा 500-600 रिकॉर्ड बनेगा। अबे बस करता फकड़ का बच्चा रहने दे, कल तू फिर नहीं चलेगा, और कल इमाम भी नहीं चलेगा, तुम्हारा कोई बल्ले भी बाज भी नहीं चलेगा, अगर 200-300-400 रन बना भी लिया ना गलती से, तो हम टारगेट चेस करके दिखाता, कल बच गए थे, अब चौथे और पांचवे मैच में हरगज नहीं हम छोड़ता आपको। और न्यूजीलैंड वाला चुप कर, टॉम लैथम भैया इस टॉम के बच्चे को समझा ले, छोटे टॉम को फोकट में टैं टैं कर रहा है, कल 288 का टारगेट चेज नहीं हुआ, वो तो हमने कुछ स्कोर बनाया नहीं, स्कोर तो कल चौथे ओडीआई में बनाएंगे, जब 400 होगा कम से कम फिर पता चलेगा। रिजवान बुढ़ादर बस करता रहने देता, अब हर मैच तुम थोड़ी जीतता, चौथा और पांचवा हम जीतेगा, तुम जितना मर्जी जोर लगा लेना, नहीं छोड़ेगा, हमारा ये टॉम सही बोलता, कल तुम्हारा किस्मत अच्छा था, बच गया, हम बार बार बोलता कल तुम नहीं बचेगा और 7 तारीख को भी नहीं बचेगा। रिजवान मियां आप छोड़ो, ये चुप नहीं करेंगे, जब तक इनको 5 ODI में 5-0 से ठोकर इधर से भेजेंगे नहीं, फिर भी लगता चुप नहीं करेंगे, टैंटें करते हुए जाएंगे और बहाने बनाते जाएंगे। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज।